टमाटर के लाल होने से लोगों को सब्जी में वो जायका नहीं मिल रहा है, ऐसे में अब अदरक का स्वाद भी लोगों को मिलना मुश्किल हो गया है। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अदरक का दाम 400 रुपये प्रति किलो हो गया है। हम अभी राजधानी रांची के नागा बाबा खड़ताल स्थित वेजिटेबल मार्केट में मौजूद है और यहाँ की जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर कह सकते हैं कि हर तरह की सब्जियाँ मिलती है और यहाँ से राजधानी रांची के लगभग हर इलाके के लोग सब्जी की खरीदारी करने के लिए पहुँचते हैं। कुछ लोग हैं उनसे जानते हैं कि जो अदरक का दाम टमाटर की तरह बढ़ा है, कैसे देखते हैं, क्या खरीदने आई हैं? सब्जी खरीदने आए हैं, टमाटर 100 रुपया किलो, अदरक महंगा। अब लग रहा है कि चोखा भात खिलाना पड़ेगा, पार्टी में खाली खीर बांटना पड़ेगा। चाहेंगे कि परवल का सब्जी बनाए, सो भी नहीं बना पाएंगे। परवल 60-70 रुपया 80 रुपया किलो बता रहा है। तो गरीब के लिए, आम इंसान, मिडिल क्लास, मैंने छोटा नीचे लोग के लिए थोड़ा सोचना है। अब ये सब खाना हो गया मंत्री लोग के, मंत्री लोग खाएगा, बकवास मंत्री लोग, इडियट मंत्री लोग। आप अदरक नहीं खरीदे? नहीं, हम अदरक नहीं खरीदे, हम खीरा खरीदे 20 रुपये किलो, बहुत सस्ता खीरा मिला है, तो खुद को मेंटेनेंस रखने के लिए खीरा खरीदे हैं। बाकी कोई बकवास सब्जी खरीदे ही नहीं है। मंत्री सबको बोलिए पैसा दवा के काला धन रखने के लिए, बाकी हमको जाने दीजिए भैया। सर, जिस तरह से आप देख रहे थे लगातार कई दिनों से टमाटर का रेट 30 से बढ़ते 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 160 तक रांची में पहुंच गया है और देश भर के अन्य इलाकों में भी सेम रेट चल रहा है। अब ऐसे में अदरक का रेट भी लगभग 400 तक पहुंच गया है, कैसे देखेंगे इसमें? देखिए, बारिश के कारण रेट बढ़ा है, लेकिन अब हम लोग क्या करें, क्वांटिटी कम कर दे रहे हैं। जहाँ एक किलो लेना था आधा किलो ले रहे हैं, टमाटर एक पाव ले रहे हैं, तो किसी तरह तो निकालना ही पड़ेगा ना। ऑफिस से आते हैं या फिर ऑफिस में ही देख लीजिए, अदरक का तड़का कहे जाए या फिर जो फ्लेवर होता है जिससे मन तरोताज़ा होता है, क्या वो मिल पाएगा अभी? नहीं, अभी तो भाई जितना कम हो सकता है कम करके चलना पड़ेगा ना, क्योंकि इनकम तो बढ़ा नहीं, खर्च बढ़ गए, है ना, तो बजट तो गड़बड़ा गया थोड़ा। तो चाय पी रहे उसमें अदरक का स्वाद नहीं? हाँ, बिना अदरक का चाय अभी चल रहा है। टमाटर कैसे मैनेज कर? टमाटर में क्वांटिटी कम कर दे रहे हैं, मतलब जहाँ दो टमाटर डालना था एक टमाटर, आधा टमाटर में काम चल रहा है। मतलब क्वांटिटी कम हो गया है क्योंकि कॉस्ट बढ़ गया है? हाँ जी, क्वांटिटी कम हो गया है। आसपास में मतलब किसी से चर्चा होती है कि अब यार वो अदरक वाला स्वाद नहीं मिल रहा है? तो होती है, चाय का टेस्ट तो मान लीजिए फर्क पड़ता ही है। कहाँ रहते हैं सर आप? रातू रोड में। तो यहाँ रेगुलर आते हैं? हाँ, रेगुलर आते हैं। क्या नाम हुआ सर? रमेश अग्रवाल। कहीं आप किसी से? एडवोकेट हैं। तो ये रमेश जी थे जो कि यहाँ सब्जी खरीदने के लिए आए हुए थे। इन्होंने कहा कि जो क्वांटिटी था अब वो क्वांटिटी पहले ऐसा नहीं रहा, घट गया है। जो यहाँ पे सब्जी विक्रेता है उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो अदरक का रेट में बढ़ोतरी हुई है, कारण क्या है? क्या नाम है आपका? MD झार। ये बताइए कि अदरक का रेट लगभग 400 तक पहुँच गया है, क्या वजह है और लोग खरीदारी कर रहे हैं क्या रेट बढ़ रहे हैं? अब कच मच करके तो 100 ग्राम 50 ग्राम खरीद रहे हैं, अब रेट कम हो तो लगता है कि एक आध दो महीने बाद हो जाएगा। अभी तो रेट मान ली बाहर से माल आ रहा है, लोकल में बहुत कम माल बचा है, इसी कारण अदरक का मतलब खेती नहीं होता है। होता है लेकिन वो माल ख़त्म हो गया, शॉर्ट कर गया, बिहन होने लगा है ना, इसके कारण वो शॉर्ट कर गया। फिर माल अभी बाहर से आ रहा है, मान ली फिर जहाँ उपज होने लगेगा तो फिर रेट कम होगा। आप कैसे दे रहे हैं? अभी हम 300 तक बेच रहे हैं। कैसे मतलब पूरा एक किलो के हिसाब से और कुछ और भी डिफरेंस होता है? ज़्यादा खरीदने या कम खरीदने? ज़्यादा खरीदने से 250 तक लग जाएगा, 250 रुपये तक पड़ता है उसका बेचने का। और कम खरीदने वालों की? 300 रुपया खुला रहेगा, 100 ग्राम 50 ग्राम तो 300 रुपया। ज़्यादा लेगा भाई 5 किलो 10 किलो तो उसके लिए 250 रुपया होलसेल दाम। बिक्री हो रहा है थोड़ा बहुत, बोला 50 ग्राम 100 ग्राम 50 ग्राम 100 ग्राम, महंगा में तो महंगा ही सर खरीदेगा। मतलब दाम बढ़ने का जो आप लोग पे असर दिख रहा है, क्या सब्जी कम खरीदारी हो रही है कि वो पहले ऐसा ही है? देखिए, ये सब्जी का जहाँ मैटर आए तो बारिश के चलते ऐसा होता है, बारिश ज़्यादा होने के कारण सब्जी का जो होता है फसल वो नष्ट हो जाता है। आप लोग पे कुछ असर पड़ा है कि आप लोग का महंगाई बढ़ रहा है तो आप बोलिए चलिए अच्छा है हमको ज़्यादा रेट मिलेगा? बात ऐसा कि सब खुश हो रहना चाहिए ना, खाली हमको खर मानने से थोड़ी मतलब है, ग्राहक को मन भरना चाहिए, जो पैदा कर रहे उसको मिलना चाहिए, खाने वाले हम बेचने तब तीनों के सेट बढ़िया बनता है। एक आदमी तरफ एक तरफा हो जाएगा कि हम भाई लाएँ 5 और बेचें 50, वैसे कोई बात नहीं है। बेचने में परेशानी पड़ रहा हुआ है, जहाँ 20 बिकता था वहाँ 40 बेचना पड़ रहा है, जो 20 किलो बिकता था वहाँ 10 किलो बेचना पड़ रहा है, ये सब बात है। अदरक इस बार नहीं हुआ है ज़्यादा, और बारिश की वजह से अदरक आधा खेते में थी हो गया।
अभी नया आया नहीं है, पुराना लगाया हो, अभी समय लगेगा निकलने में। एक डेढ़ महीना मतलब नुकसान हो रहा है कि फायदा हो रहा है? हम लोग को उतना फायदा थोड़ी है भैया, महंगा लेते हैं तो महंगे बेचते हैं, 5 रुपया 10 रुपया किलो में, पाव में क्या बचेगा, 1-2 रुपया बचता है, जब किलो लेगा तब 10 रुपया। हम लोग महंगा में नहीं है, कुछ फायदा नहीं। अभी कैसा ले रहा है, कम ले रहा है कि अधिक ले रहा है? कम ले रहा है, किलो का जगह में 250 में आ गया, 100 ग्राम 50 ग्राम, उसमें हम लोग का जाता है 1-2 रुपया, आता नहीं है 100 ग्राम 50 ग्राम बेचने में, और क्या है। तो दुकानदारों को भी समस्या है क्योंकि दाम बढ़ा है, तो ऐसे में जो लोग पहले अधिक मात्रा में सब्जी की खरीदारी करते थे, लेकिन क्योंकि दाम बढ़ गया है ऐसे में अब जो लोग हैं वो कम मात्रा में सब्जी की खरीदारी कर रहे हैं, और इन्होंने ये वजह बताई कि यहाँ पर जो अदरक है वो नहीं मिल रहा है क्योंकि बाहर से मंगाया जा रहा है, और ये वजह है कि अदरक का दाम बढ़ा हुआ है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या लोग जो चाय में अदरक का जायका लेते थे और सब्जी में इसका स्वाद का आनंद लेते थे, उन्हें कब अदरक का दाम कम होता हुआ दिखेगा। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए कैमरा पर्सन नितिन के साथ नीरज कुमार, रांची।